काफी अच्छी थी, लाइक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। फिल्म बहुत अच्छी लगी है, मुझे फिल्म अच्छी लगी, मतलब एंटरटेनिंग है, बहुत ही अच्छी मूवी, फुल ऑन कॉमेडी और बहुत अच्छी मूवी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी थी। और आफ्टर लॉकडाउन ऑडियंस को जिस तरह की मूवी का वेट था, मूवी उस तरह की है। मनोज बाजपेयी तो हमारे सबकी फेवरेट एक्टर है, एंड सना फातिमा शेख को हम लोग ने एक नई हाँ नई अवतार में देखा। शी इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन दंगल। लाइक एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कैसी होती है, वेरी डेलिकेट एंड सब कुछ, लाइक फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी प्यारी लगी। एंड कॉमेडी के बारे में बात किया तो लाइक फुल ऑन एंटरटेनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसमें कॉमेडी कहीं फोर्स फिट नहीं लग रहा है, लाइक ज़बरदस्ती इसमें डाला नहीं गया है, लेकिन हर एक छोटा छोटा सीन्स भी लाइक लाइक उसमें इतना मजा आएगा ना, आपको लगेगा वाओ क्या कैसे लिखा है, लाइक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। दिलजीत के बारे में बोला जाए तो काफ़ी नेचुरल लगता है उनका एक्टिंग, एंड ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक वो एक इनोसेंस उनके आंखों में रहता है, लोग एक इनोसेंस स्पार्क रहता है, वो काफ़ी यंगस्टर्स काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो वेरी वेल डन, द एंटायर टीम हैज टेकन एफर्ट्स एंड डन वेरी वेल। ओके, द महाराष्ट्रियन गाय प्लेड बाय मनोज वाजपेयी एंड फातिमा सना शेख, हु इज अ बेटर महाराष्ट्रियन, फातिमा और मनोज वाजपेयी? आई विल से अनु कपूर जी, बिकॉज उन्होंने वो लाइक उनका काफ़ी छोटा सा ही लाइक सीन्स है, एक दो एक सेंटेंस एक डायलॉग यहाँ पे वहाँ पे, बट एक्टिंग ही हैज डन इज लाइक अमेजिंग। लाइक वो छोटा सा कैरेक्टर भी लाइक उसको अच्छे से प्ले करना इज अ बिग थिंग आई बिलीव, सो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई गेस दोनों में ऐसे देखा जाए तो डिफिकल्ट है बोलना, बट आई विल गो विद मनोज वाजपेयी। केमिस्ट्री में जो फातिमा की है, सना फातिमा की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। और मराठी किरदार निभाया पहली बार मनोज वाजपेयी ने, मनोज वाजपेयी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, क्या आपको मराठी किरदार में अच्छे लगे? हाँ, वो मराठी किरदार जो उनका था एक अलग ही, हिंदी जो मूवीज में वो अलग ही दिखने में आया है, और बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा उनका किरदार लगा है, तो मैंने तो बहुत पसंद किया उनकी किरदार। फातिमा सना शेख और दिलजीत दोसांझ एक बड़ा अनयूजुअल सा पेयर, क्या कहना चाहेंगे? उनकी दोनों की भी केमिस्ट्री एक अलग सी दिखने में आई है, एक मराठी जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया, दोनों की जो केमिस्ट्री वो काफ़ी अच्छी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी दिखाई गई है, एक अलग ही लव स्टोरी उसमें नजर आई है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कॉमेडी कैसी लगी आपको? कॉमेडी बहुत अच्छी थी, पंचेस भी अच्छे थे, बहुत अच्छा काम था। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक सबसे ज्यादा मुझे जो गाना पसंद है बसंती, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, उसकी जो म्यूजिक है, जो वर्ड्स है, जो बोल है, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छी लगी ऑब्वियसली मेरे भाई का म्यूजिक है जावेद मोहसिन, जो बसंती सॉन्ग है जो आजकल लोगों की जबान पे एक स्लोगन की तरह लग गया है, और एक दूसरा गाना भी है बारियां, वो भी मेरे भाई का है सारे गाने। एंड कॉमेडी मनोज वाजपेयी की जो एक फीलिंग है, एक ऑपोजिट जो लगा है दिलजीत एंड फातिमा सना शेख, एक कॉम्बिनेशन लगा तो अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया आया। ओके, क्या कहना चाहेंगे फातिमा सना शेख की कॉमेडी के बारे में? फातिमा सना शेख इज आउटस्टैंडिंग, नेवर सीन दिस काइंड ऑफ कॉमेडी। एंड वाजपेयी, मनोज वाजपेयी इज अ थ्रिलर, ही इज लाइक इनबिल्ट टैलेंट इन कॉमेडी इनसाइड, मींस जैसे टैलेंट आपके ब्लड में होता है वैसा ही होता है। मजा आया एंड कॉमिक टाइमिंग एवरीवन सब आर्टिस्ट का बहुत ही बढ़िया है। मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ, हाँ क्या कहना चाहेंगे दोनों की केमिस्ट्री? मनोज जी तो एज ऑलवेज सुपर, उनको तो मजा ही आ गया, एंड दिलजीत पाजी एक्सपेक्टेड था वो यही कमाल करेंगे, वही किया, सुपर पहली बार एक अनयूजुअल पेयर यस दोसांझ और फातिमा सना शेख, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इवन बहुत दिख भी अच्छे रहे हैं, रियली गुड। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक स्टार्टिंग गाना ही है, हाँ म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, इवन द बैकग्राउंड सॉन्ग आई गेस वो बहुत अभी ट्रेंड में आने वाला है, बहुत अच्छा सॉन्ग, मज़ा आया। भाई बहुत बहुत सुकून थी, किसी तारीफ कब की जब कम है, बहुत सुकून थी, मनोज वाजपेयी था और दलजीत सिंह सर था, बहुत सुकून था उनका, बहुत सुकून था।
क्या कहना चाहेंगे कहानी के बारे में? कहानी तो एकदम कॉमेडी है और हंसते हंसते मतलब आदमी का पेट खुल गया, मतलब हम तो खुद से हम तो खुद ही काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी। दिलजीत दोसांझ और सना केमिस्ट्री का लगेगा क्या? बेस्ट 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 नंबर वन बेस्ट कॉमेडी बन पाएगी। कॉमेडी हमेशा बहुत सीरियस जॉब रहा है, सीरियस एक्टिंग कॉमेडी के लिए टाइमिंग का है, कॉमेडी के बारे में कॉमेडी टाइमिंग कितना कॉमेडी कॉमेडी टाइमिंग परफेक्ट था, नंबर वन मुझे अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी और सुप्रिया की टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी करेक्ट था। सुप्रिया खास करके अनु कपूर के बारे में क्या कहेंगे? अनु कपूर जी तो पुराने एक्टर है और काफ़ी फिल्में की हैं और उनको उनको तो काफ़ी अवार्ड मिल चुका है और अच्छी फिल्में बनाई है, उन्होंने अच्छे काम भी किया। अब मानते हैं लॉकडाउन के बाद में सही शुरुआत हुई। यह करेक्ट करेक्ट बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है और दिवाली में तो पटाखा है। मूवी में मुझे सबसे अच्छा मनोज वाजपेयी का किरदार लगा, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में उसको बहुत बखूबी निभाया है। एंड जो दिलजीत दोसांझ थे उन्होंने जो किरदार निभाया उसमें लाइक वेरी फनी कैरेक्टर, लाइक सबका बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी थी। सो या What would you say about the chemistry between Fatima Sana Sheikh and Dilji Dosanjh? This is like unusual pairing. Yeah, it was unusual pair, but director ने जो ये thought दिखाया है कि एक you know कोई सोच भी नहीं सकता एंड वो वाली जोड़ी वो साथ लेकर आए हैं, तो वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री दिखाया है दलजीत और उन नाम का फातिमा का, सॉरी। सो या आई रियल लव द मूवी, आई स्पेशली रेकमेंडेड, जस्ट वॉच दिस मूवी एंड यू नो एंटरटेन योरसेल्फ। म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक वाज रियली वेरी गुड, रियली रियली वेरी गुड। Have you seen the previous work of the director? Sorry? Have you seen the previous work of the director? Abhishek Sharma. Yeah, I watched that. So, but ये जो उनका movie है, ये बहुत अलग हटके है। तो मैं यही सबको recommend करना चाहूँगी, just please watch that movie. And lockdown के बाद यार पहली बार theaters खुले हैं, so obviously come to the theaters and just enjoy it. ॲक्च्युली बहुत अशी ती मूवी आणि मी स्वतः मराठी आहे तर ह्या मूवीमध्ये बघण्यासाठी मला खूप युनिक युनिक भाषा लाईक पंजाबी, हिंदी आणि मराठी ह्या तीन भाषांचं मिश्रण हे एक मूवी आहे। आणि जर तुम्ही बघाल तर मराठीमध्ये जी मूवी गायली आहे की मला वडाच्या झाडाखाली पैरा मारायला आवडतात आणि किंवा कौरवा छावचं व्रत वगैरे, तर ते खूप युनिक कॉम्बिनेशन आहे आणि खूप संस्कृतीला जोपासणारं जे आहे ते या मूवीमध्ये थोडंसं दाखवलं गेलं आहे। क्या मानती है कि वो महाराष्ट्र की संस्कृति, वो जो जो एक चलन है, जो रिवाज रहे हैं, जी जी जी, वो बहुत सही तरीके से दिखाए गए हैं कि ये छोटी छोटी न्यूएंसेस जो नजर आ रहे हैं फिल्म में, यहाँ छोटी छोटी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गया है। लेकिन एक भाई बहन का प्यार ये भी दिखाई गया है, देन एक अच्छा एक प्यार करने वाला पति कैसे होना चाहिए, प्यार करने वाली पत्नी कैसे होना चाहिए, उसकी भी ड्रीम से ये भी दिखाई दिया है, वो फॉलो करेंगे उसके मतलब ससुराल वाले, ये भी दिखाई दिया है। लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और अच्छा लगा देखने के लिए। मनोज वाजपेयी इसकी कॉमेडी टाइमिंग आपको बहुत प्रभावित करा। फातिमा का जो नाम दिया है तुलसी, मराठी मध्ये तुलसी म्हणून बोलतात और वो तुलसी बोल रही है, सो मैं फातिमा को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज तुलसी है ना व्यवस्थित के, कारण की तुलसी ये एक बहुत पवित्र माना जाता है हमारे में बहुत, और मराठी में तुलसी बोलते सो तुलसी मत कीजिए उसको। अच्छा दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी कौन ज़्यादा पावरफुल रहे? एक्चुअली दोनों की बहुत अच्छी गई है, बिकॉज उनके जो फादर का रोल जिन्होंने किया है बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, अनु कपूर बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने बोलना, उनकी आँखें वो जो दिख रही थी ना पानी से भरी हुई और बहुत बहुत ऐसे लग रहा था कि अच्छा इमोशंस बहुत भरे हुए थे उनके। हिसाब से टाइटल है सूरज पर मंगल भारी, तो मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे पर काफ़ी भारी था। पूरी फिल्म सिर्फ यही दो कंधों पर चल कर आई है और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जिस टाइप का इस वक्त माहौल चल रहा है ऐसी फिल्म की शायद जनता को ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख के मत जाइए कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स जस्ट अ बेसिक कॉमेडी, नॉट इवन अ गुड स्लैपस्टिक कॉमेडी, बट जस्ट आपको सिर्फ स्माइल रहेगी फेस पे। और दिलजीत क्योंकि इन जनरल भी काफ़ी अच्छे हैं और इस फिल्म में वो उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी भी दिखकर आ रही है ना, क्यूट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी जो आपको दिखेगी फिल्म में वो दिलजीत की वजह से ही दिखेगी। दिलजीत एंड फातिमा सना शेख अनयूजुअल पेयर, राइट?
फातिमा जहाँ पर अकेले स्क्रीन पर नजर आ रही थी उनकी बिल्कुल प्रेजेंस फील नहीं हुई मुझे कहीं पर भी, लेकिन जब वो दिलजीत के साथ नजर आ रही थी तब वो मुझे देखने लायक थोड़ा बहुत लगा। अगर सिर्फ फातिमा की बात करूँ तो मैं उनकी परफॉर्मेंस को 2 या 2.5 मैक्सिमम देना चाहूँगी, लेकिन जब वो दिलजीत के साथ फ्रेम में नजर आ रही थी तो दिलजीत ने उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हांस किया है और वो देखने लायक बनाया है। मनोज वाजपेयी बेटर महाराष्ट्रियन और दिलजीत दोसांझ बेटर सरदार? वेल, मनोज वाजपेयी बेटर महाराष्ट्रियन विदाउट एनी डाउट, बिकॉज एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है। पूरी फिल्म मतलब आमची मुंबई के दिल में बस जाएगी ये फिल्म। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको एक वो महाराष्ट्रियन फील आएगा, जो लोग मुंबई से हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बट ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा है और थ्रू आउट आपको एक पॉजिटिव फील आता रहेगा। म्यूजिक ऑफ द फिल्म एक दो जगह पे ठीक है, अदरवाइज गाने बहुत आउटस्टैंडिंग या आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखकर नहीं आ रहे हैं या सुनाई नहीं दे रहे। बस एक ही गाना है वो बसंती आज कुत्तों के सामने मत नाच, बस वही नोटिस में आया है। उसके अलावा बाकी गाने क्योंकि फिल्म है तो गाने होंगे, वो वैसा वाला वाइब है। आ रही थी जर, मतलब कुछ सीखने को ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद इतने लंबे समय के बाद थिएटर में एक जो एक्सपीरियंस था वो हमने फिर से जिया है, तो इस वजह से फिल्म और अच्छी लग रही थी। मनोज वाजपेयी वेरी फर्स्ट टाइम स्पीकिंग मास्टर कैरेक्टर, क्या कहना चाहिए? मुझे पता नहीं क्यों मनोज वाजपेयी थोड़े से कम लगे, क्योंकि हमेशा उनका जो भी कैरेक्टर होता था छोटा या बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कम लगे, पता नहीं क्यों। दिलजीत दोसांझ मुझे ऐसे लगे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही एक जब वो स्क्रीन पर आ रहे हैं तब तक चेहरे पर हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है उनको स्क्रीन पर देखना। मुझे अगर मैं बात करूँ दोनों की केमिस्ट्री की तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे नहीं लगता कि आगे हम इनको देखना चाहेंगे साथ में, बिल्कुल नहीं। दिलजीत बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना वो परफेक्ट है अपने कैरेक्टर में, लेकिन वो मुझे फातिमा ऑफ लगी एक्सप्रेशन वाइज और केमिस्ट्री वाइज, तो थोड़ी सी ऑफ लग रही थी वो मुझे, लेकिन ठीक है अब थी फिल्म ने तो कोई। म्यूजिक क्या रहा था? म्यूजिक ठीक ठाक था, बस फिल्म को आगे बढ़ा रहा था, स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था तो देख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में, अलग अलग किरदार? मनोज वाजपेयी की तो एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। और महाराष्ट्र में किरदार निभाया है फातिमा सना शेख ने दंगल के बाद, क्या क्या वो मराठी लड़की लगती है? पूरा मराठी लड़की लग रही है, कोई डाउट भी नहीं होगा कि वो अदर कास्ट की है, बहुत अच्छी है। और उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे, दिलजीत और फातिमा की? पहली बार फातिमा की बहुत ही अच्छी पेयर से, आप मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखे और इन्जॉय कीजिए। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक सॉन्ग तो बहुत अच्छी है, सब सारे सॉन्ग इसमें। सचिन जी की वाइफ हैं, सूर्या जी हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा? उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। उन्होंने एक ब्यूटीशियन का किरदार निभाया, बहुत अच्छी मूवी है। क्या आपको कॉमेडी, जितनी कॉमेडी चाहिए थी उतनी कॉमेडी फिल्म में नजर आई? उससे भी ज्यादा कॉमेडी मिली, जितना एक्सपेक्टेशन किया था। पहली फिल्म जो थिएटर में रिलीज हुई? जी हाँ, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, साथ में सैनिटाइजर वगैरह और सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। अच्छा, फातिमा सना शेख और दिलजीत दोसांझ पहली बार दोनों एज ए कपल आ रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है और अपने बाजी ने तो माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की हुई है मूवी में। मनोज वाजपेयी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो मराठी किरदार निभा रहे हैं पहली बार, वो तो एक्टिंग के लीजेंड है, उनके बारे में हम क्या बात करेंगे, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है मूवी में। और बाकी किरदारों के बारे में क्या कहेंगे? बाकी सब किरदारों ने अपने हिसाब से जिस तरह का उनका टैलेंट उन्होंने उस पर खड़े उतरे हैं, बाकी सब फातिमा भी पहली बार मराठी लड़की प्ले कर रही थी, मैं तो उनको देखते ही रहेगा मराठी के कैरेक्टर में। अच्छा, कॉमेडी कितनी परफेक्ट है फिल्म के उसके बारे में? कॉमेडी भरपूर है पूरी मूवी में, आप कुछ ही टाइम के लिए आप हंसोगे नहीं, तो टोटल फुल मूवी में आप हंस ही रहे हो। अच्छा, फिल्म साथ में एक मैसेज भी कैरी करती है कि लड़कियों को और लोगों को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, उस बारे में क्या कहना है? जी हाँ, डेफिनेटली आज के इस टाइम में तो हम पहले से ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इस मूवी में भी उस टाइप का कुछ मैसेज दिया हुआ है। 5 में से 3 5 में से 3 5 में तो 5 out of 5 for sure। तो मैं 5 में से उस मूवी के लिए पूरे 3 स्टार दूंगी। So I'll give 3.5 stars. 4.5. मैं 3 स्टार दूंगी। 5 on 5. 5 में से मैं 3.5 दूंगी, लेकिन 5 एक्स्ट्रा इसलिए दूंगी पॉइंट क्योंकि थिएटर में आने का मौका मिला देखने के।